हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लुक्स एंड फ्लेम्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे काफ़ी सारे व्यूवर्स ने ये रिक्वेस्ट करी थी कि मैं इंडिगो पाउडर का रिव्यू करूं, यानी इंडिगो पाउडर के बारे में आपको बताऊं कि इंडिगो पाउडर क्या है और उसके क्या यूजेस होते हैं। तो आज की वीडियो इसी के बारे में है। आज मैं आपको इंडिगो पाउडर के बारे में बताऊँगी कि इंडिगो पाउडर क्या होता है, इसके हमारे हेयर्स के लिए क्या बेनिफिट्स होते हैं और किस तरह से हम इसको अपने बालों को कलर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में दिए गए बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे की वीडियोस का रेगुलर नोटिफिकेशन आपको जाता रहे और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इंडिगो पाउडर क्या है और इसके क्या यूजेस होते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने इंडिगो पाउडर लिया है, ये मैंने बायो ऑर्गेनिक इंडिगो पाउडर लिया है। इसका प्राइस है 199 रुपीज़। आप किसी भी ब्रांड का इंडिगो पाउडर ले सकते हैं, तो ब्रांड पर डिपेंड करता है कि इंडिगो पाउडर का प्राइस क्या होगा। वैसे ये 199 रुपीज़ से लेकर के 300 तक की रेंज में अवेलेबल होता है और इजीली आपको ये ऑनलाइन मिल सकता है या फिर किसी बड़ी शॉप से आप इसे ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले कि इंडिगो क्या होता है। फ्रेंड्स, यूजुअली हम अपने ग्रे हेयर्स को ट्रीट करने के लिए केमिकल हेयर डाइज को अप्लाई करते हैं, जिसमें कि अमोनिया, PPD और अदर डेंजरस केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी स्किन पर, स्कैल्प पर एलर्जिक रिएक्शंस कर सकते हैं। या जबकि इंडिगो जो है वो केमिकल हेयर डाई का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इससे आपके बालों को एक नेचुरल शेड मिलता है और वो भी बिना किसी केमिकल हेयर डाई के और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। फ्रेंड्स, इंडिगो एक नेचुरल हेयर डाई है जो कि एक प्लांट से बनाई जाती है, जिसका नाम है इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया। फ्रेंड्स, ये डार्क रिच ब्लू कलर में होता है और इसको मेनली क्लोथ्स डाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्पेशली पुराने, काफ़ी पुराने टाइम से इसको हम डाइंग के लिए, टेक्सटाइल डाइंग के लिए यूज़ करते रहे हैं, यानी कि क्लोथ्स को डाइंग करने के लिए हम इसको यूज़ करते रहे हैं। स्पेशली डेनिम को डाई करने के लिए इस प्लांट का मेनली यूज़ किया जाता रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हमें इंडिगो के बेनिफिट्स पता लगने लगे और हम इसको हिना के साथ कॉम्बिनेट करके लगाने लगे अपने हेयर्स को नेचुरल कलर देने के लिए। फ्रेंड्स, इंडिगो बहुत ही नेचुरल प्रोडक्ट है और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये आपके बालों को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाता है और हिना के साथ इस्तेमाल करने पर ये आपके बालों को ब्राउन या ब्लैक कलर देता है। लेकिन अगर आप बिना हिना के या डायरेक्टली इसे अपने हेयर्स पर अप्लाई करेंगे तो ये आपको एक ब्लू टिंट देगा। तो अगर आपके हेयर्स ग्रे नहीं हैं, आपके हेयर्स वाइट नहीं हैं, आपके हेयर्स ब्लैक या फिर नेचुरल ब्राउन कलर के हैं, तो आप इंडिगो का इस्तेमाल करके अपने बालों को ब्लू शेड्स यानी कि ब्लू टिंट दे सकते हैं। और आप ग्रे हेयर्स को ट्रीट करना चाहते हैं तो आपको इंडिगो के साथ हिना को मिक्स करना होगा, हिना को कॉम्बिनेट करना होगा। लेकिन इसके भी दो तरीके होते हैं जो कि मैं आपको आगे चल करके बताऊँगी। हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट्स करता है, आपके स्कैल्प को, हेयर स्कैल्प को इन्फेक्शन से बचाता है और इसके साथ साथ अगर आपके बालों पे डैंड्रफ है तो वो भी आपको इंडिगो से, उससे भी आपको फ़ायदा होता है। फ्रेंड्स, ये इंडिगो लीफ पाउडर है और ये 100 ग्राम का पैक है, जिसको आप अपनी हेयर लेंथ के हिसाब से 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इस तरह से, ये फ्रेंड्स ग्रीन कलर में होता है और इसको मिक्स करके अगर आप अपने हेयर्स पर अप्लाई करेंगे तो इससे आपको ब्लू शेड मिलेगा और अगर आप हिना के साथ इसे मिक्स करेंगे तो आपको ब्राउन और ब्लैक शेड ये देता है। इसके साथ फ्रेंड्स एक बुकलेट दी हुई है जिसमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि किस तरह से आपको इंडिगो स्टेप बाय स्टेप अपने हेयर्स पर अप्लाई करना है। तो ये इंस्ट्रक्शन बुकलेट आपको साथ में मिलती है, इसको देख करके आप इंडिगो को अपने हेयर्स पर अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो इस हेयर डाई के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और कुछ केसेस में हो सकता है कि आपको इंडिगो पाउडर से एलर्जी हो, तो इसके लिए आप जब भी इंडिगो को अप्लाई करें तो एक पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। अगर आपकी स्किन पर कोई रिएक्शन नहीं होता है तो आप इसे बेझिझक अपने हेयर्स पर अप्लाई कर सकते हैं।
इंडिगो पाउडर से अगर आपको एलर्जी है तो इसको लगाने के बाद आपको इचिंग महसूस होगी, आपके सर में दर्द होगा या आपको डिजीनेस फील होगा। तो अगर आपको ये सब सिम्टम्स परसिस्ट होते हैं तो आप इंडिगो पाउडर को अप्लाई ना करें। फ्रेंड्स, वैसे तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन अगर आप रेगुलरली इसको करेंगे और एक बार आपके बालों को इससे नेचुरल ब्लैक कलर मिल जाएगा, तो रेगुलरली यूज़ करने पर ये ब्लैक कलर आपके बालों में लॉक हो जाता है और हमेशा के लिए आपके बालों को नेचुरल ब्लैक कलर देता है और आपको केमिकल हेयर डाई से छुटकारा देता है, जो कि एक बहुत ही बेस्ट पार्ट है इस इंडिगो हेयर डाई का। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी कि मार्केट में कई तरह के फेक इंडिगो पाउडर्स भी मिलते हैं या फिर लूज़ इंडिगो पाउडर भी मिलते हैं, जो कि बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं होते। इसके बजाय ये आपके बालों को, आपकी स्कैल्प को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जब भी आप इंडिगो पाउडर लें, ब्रांडेड इंडिगो पाउडर लें, हो सके तो ऑनलाइन परचेज करें और लूज़ पैकेट बिल्कुल भी ना ख़रीदें। और अगर आपको कुछ भी सिम्टम्स परसिस्ट हो जो कि मैंने बताए हैं, तो आप इंडिगो पाउडर को तुरंत से धो लें, वॉश कर लें और अपने हेयर्स पर बिल्कुल अप्लाई ना करें। तो फ्रेंड्स, ये इंडिगो पाउडर एक बहुत ही नेचुरल हेयर डाई है, आपके बालों को बिल्कुल नेचुरल रूप से कलर देता है, बिल्कुल केमिकल फ्री है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि खाली इंडिगो यूज़ करने से हमें ब्लू टिंट्स मिलते हैं, इंडिगो और हिना को साथ में यूज़ करने से हमें ब्राउन और ब्लैक कलर मिलता है। ब्राउन और ब्लैक कलर डिपेंड करता है हमारे इंडिगो के यूज़ करने के तरीके पर। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो उसी के बारे में है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इंडिगो से किस तरह से हम नेचुरल ब्लैक कलर पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं अगली वीडियो में फिर से आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय।